अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है, तमाम शहर जले, एक मेरा घर ना जले। बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। शब्दों के इत्तफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देख कर ना मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से उदास हो जाते हैं रिश्ते भी, कुछ उनकी सुनिए कुछ अपनी सुनाते रहिए। सबसे खतरनाक नाराज़गी वो होती है जिसमें आप उस इंसान को कभी जताते ही नहीं कि आप नाराज़ हैं। कोशिश करो कि जिस चीज़ के लिए तुम तरसे हो, कोई दूसरा उस चीज़ के लिए आपकी वजह से ना तरसे। फिर चाहे वो खुशियाँ हों, रिश्ते हों या सुकून, रब ने नवाजा हमें ज़िंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए। ज़िंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। ये कफन, ये जनाजा, ये कवर तो सिर्फ बातें हैं। मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। लोगों का क्या है, लोग तो ज़मीन पर बैठकर ही चांद पर दाग लगा देते हैं। हर विचार एक बीज है और हमारा भविष्य उस बीज का वृक्ष है। एक विचार ही है जो बुरा और बुरे व्यक्ति को अच्छा बना देने की क्षमता रखता है। कुछ लोग भी बहुत कमाल के होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक पन्ना पढ़कर ही हमारे बारे में पूरी किताब लिख देते हैं। कभी कभी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं और हम शुक्र अदा करने की बजाय ये कहने लग जाते हैं कि काश कुछ और मांग लिया होता। वफा करो तो दरिया किनारे उगी घास की तरह करो। जिसे जब डूबने वाला पकड़ता है तो या तो डूबने वाले को बचा लेती है या डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, बहुत सी जगह खामोश रहना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है, नज़रअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। सबके सामने अपने दुखों को जाहिर ना किया करो। कुछ लोग आपके सामने तो रोकर सुनेंगे और दूसरों को हंसकर सुनाएंगे। अपनों के साथ खुश रहा करो और परमात्मा के अलावा किसी से उम्मीद ना किया करो।